काफी कुछ डेवलपमेंट्स पिछले कुछ दिनों से यहाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से लगता है कि कोई बहुत ही खतरनाक, कोई बहुत ही जो है दहशत वाली एक माहौल बना हुआ है और लोग खौफजदा हैं। जैसे आपने आज देखा भी होगा कि बाहर से भी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, जो लोग बाहर हैं वो भी घबराए हुए हैं, और यहाँ भी हालात कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बने हुए हैं। जबकि यहाँ सरकार, गवर्नर साहब बार बार कहते हैं कुछ नहीं होने वाला है, मगर जो डिप्लॉयमेंट हो रही है जिस तरह से, क्योंकि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है यहाँ हालात ठीक हो गए हैं, मिलिटेंसी कम हो गई है, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई है, तो दूसरी तरफ से डिप्लॉयमेंट क्यों? और आज जो एडवाइजरी जारी की गई होम सेक्रेटरी के यहाँ से, कि जिसमें टूरिस्ट और यात्रियों को यहाँ से जो है वापस जाने के लिए कहा गया कि यहाँ सिचुएशन खराब होने वाली है, तो उससे और भी जो है लोग खौफजदा हो गए हैं। आपने खुद भी देखा होगा, बहुत क्योस है, कन्फ्यूजन है, बहुत हालात खराब हैं, लोग बड़े घबराए हुए हैं। मैंने जिंदगी में इतना पैनिक कभी नहीं देखा है, और मुझे लगता है पिछले 70 साल में इस किस्म का जो खौफ, एक साइकोलॉजिकल जो जंग चल रही है, मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा हो रहा है।